नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांश जैन और आज हम देखने जा रहे हैं 12th अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कैबिनेट अप्रूव्स MOC बिटवीन इंडियंस एंड जापान ऑन टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP प्रोग्राम। और अगली जो न्यूज़ है वो है 44th इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट दिल्ली फेयर इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। अगली न्यूज़ देखेंगे CCEA अप्रूव संकल्प एंड स्ट्राइव स्कीम टू बूस्ट स्किल इंडिया मिशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम इस जो संकल्प स्कीम है उसके बारे में देखेंगे, फिर स्ट्राइव स्कीम उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगली न्यूज़ देखेंगे ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2017। तो इसमें जो इंडिया की रैंक 100 रखी गई है 119 नेशन में, उसमें देखेंगे और इसके अलावा पूरा इसको कंपेरेटिवली भी देखेंगे, इस लिस्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कैबिनेट अप्रूव्स MOC बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने जो MOC यानी कि मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन उसको जो साइन करना है उसको अप्रूव कर दिया है कि अब इसके तहत क्या होगा कि इंडिया और जापान में टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। यानी कि अब जो इंडिया से जो टेक्निकल इंटर्न लोग हैं वो जापान में ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे। इसमें क्या रहेगा कि एक इसमें जो इंडियंस टेक्निकल इंटर्न्स हैं वो जापान में जाएंगे और ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे उनकी, और इसका पीरियड 3 से 5 साल के बीच में करीब रहेगा। और इसमें क्या है कि इससे तो सबसे पहले तो इंडिया एंड जापान का जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसमें और ज़्यादा मजबूती आएगी, और इसके अलावा जो इंडिया और जापान का दोनों का कोऑपरेशन स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में भी आगे बढ़ेगा और ज़्यादा मजबूत होगा, और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। और अगर जापान से अगर इस तरीके की मदद मिलेगी तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये। अगली न्यूज़ देखते हैं 44th इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट दिल्ली फेयर इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। तो दिल्ली में एक दिल्ली फेयर करके एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट्स में ऑर्गेनाइज करा जाएगा। ये प्रोग्राम एक जगह का नाम है जो इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट्स, और ये दिल्ली में ग्रेटर नोएडा के पास में है। और इसका जो नेम रखा गया है इस दिल्ली फेयर का वो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट करके जो प्रोग्राम है पूरा, और इसका जो 44th एडिशन है ये पूरे 5 दिन का जो प्रोग्राम रहेगा, और इसमें बिजनेस टू बिजनेस रहेगा। यानी कि इसमें क्या रहेगा कि जो लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये फेयर रहेगा, और इसमें वो जहाँ पे जो बिजनेस करते हैं हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड तो वो आएंगे इस फेयर में, और वो इसमें जो हैंडीक्राफ्ट्स के फील्ड में जो नई नई चीज़ें की जा रही हैं इनोवेटिव उनको देखेंगे और उनको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे उससे। तो इस तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है उसको प्रमोशन मिलेगा, इस तरीके का इसका पूरे एम है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर है दिल्ली फेयर उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एशिया का सबसे बड़ा गिफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर है, और जिसमें जो साल में 2 बार किया जाता है तभी तो इसका 44th एडिशन की ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो साल में 2 बार रहता है, स्प्रिंग एंड ऑटम एडिशन इसके 2 अलग अलग होते हैं। और ठीक है, और क्या है, इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो अलग सरकार का एक डिपार्टमेंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो हम थोड़ा सा EPCH के बारे में देख लेते हैं, इनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में देख लेते हैं, तो इट इज़ इंडियाज प्रीमियर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन विद 10,000 मेंबर्स एक्सपोर्टर्स। इट इज़ एंगेज इन ट्रेड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो ये इंडिया की सबसे पहले तो सबसे प्रमुख एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काम करती है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए से स्पेशली हैंडीक्राफ्ट फोकस्ड बनाया गया है जो हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए वर्क करती है, और इसके करीब 10,000 मेंबर्स एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि 10,000 सदस्य इसके जो एक्सपोर्ट करते हैं लगातार इससे जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से इंडिया की प्रमुख एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और ये लगातार
जो हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम करती है, जिससे इंडिया से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन हो इंडिया में और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। अगली न्यूज़ देखते हैं, CCEA अप्रूव संकल्प एंड स्ट्राइव स्कीम टू बूस्ट स्किल इंडिया मिशन। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो संकल्प एंड स्ट्राइव स्कीम को अप्रूव कर दिया है, जिससे स्किल इंडिया मिशन को एक बूस्ट मिले। तो सबसे पहले तो संकल्प एंड स्ट्राइव के बीच में जो मेन जो जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से कि ये दोनों क्या हैं, वर्ल्ड बैंक फाइनेंस्ड स्कीम्स हैं। इसमें जैसे संकल्प का जितना उसका जो बजट रखा गया है वो है करीब 4,455 करोड़ रुपए जो, और संकल्प एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जिसमें से करीब 3,300 करोड़ रुपए की मदद वर्ल्ड बैंक कर रहा है, और स्ट्राइप का जो बजट है वो है 2,200 करोड़ और जिसका करीब आधा वर्ल्ड बैंक इसमें मदद कर रहा है, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है और उनको जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA ने अप्रूव कर दिए हैं। अब ये दोनों मिशन जल्दी और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करे जाएंगे, जिससे स्किल इंडिया मिशन को मदद मिलेगी। हम थोड़ा सा स्ट्राइव मिशन के सबसे पहले हम स्ट्राइव स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्राइव स्कीम का जो फुल फॉर्म है इसका अगर थोड़ी सी पता चलता है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, इसका ये पूरा नाम रखा गया है स्ट्राइव। इस तरीके से स्ट्राइव एक शॉर्ट फॉर्म निकल के आती है। तो स्ट्राइव का जो मेन लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले तो इसमें जो ITIs होती हैं, जहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता है, जो एक छोटी छोटी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोजगार का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो उस तरीके की जो ITIs हैं उनको जो सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करेगी, और इससे क्या मदद होगी कि जो ITIs हैं उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें सुधारने पे फोकस्ड किया जाएगा। और इसके अलावा जो वहाँ से जो लोग निकलेंगे ITIs करके, तो उनको अप्रेंटिसशिप पे भी इसमें भी फोकस्ड किया जाएगा, और इसमें उनके लिए जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, बिजनेस एसोसिएशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उन सबको एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और जो ITIs से जो लोग निकलते हैं करके उनको अप्रेंटिसशिप पे भी उनकी फोकस्ड किया जाएगा, उनको एज एन इंटर्नशिप कराई जाएगी। इट विल सपोर्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्ट्राइव जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसको यूनिवर्सलाइज करने में मदद करता है, और इसके साथ साथ इसमें नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क को भी अपने शामिल करके चलता है, और इस तरीके से पूरी जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम के लिए वर्क करता है स्ट्राइव स्कीम। अब इसके अलावा इट इज़ आल्सो अलाइंग टू फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट प्रोग्राम सच एज मेक इन इंडिया एंड स्वच्छता अभियान। तो इसमें क्या है कि चूँकि स्ट्राइव इतनी बड़ी स्कीम है इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, कि इसको आगे चल के अगर ये अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होती है तो जो इंडियन गवर्नमेंट की जो फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट प्रोग्राम है जैसे कि मेक इन इंडिया, स्वच्छता अभियान, तो उसको उसमें भी शामिल किया जाएगा स्ट्राइव स्कीम को। संकल्प स्कीम के बारे में देख लेते हैं, तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो संकल्प में क्या है कि एक तो सबसे पहले तो स्किल एक्विजिशन पे काम किया जाएगा, इसके अलावा उन लोगों को जो उनकी लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए एक नॉलेज प्रोवाइड की जाए, इस तरीके से एक मतलब निकालने का प्रयास करें, तो उससे एक शॉर्ट फॉर्म मिलती है संकल्प। तो वैसे जो संकल्प का जो प्रमुख एम क्या है, इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले तो ट्रेनर्स एंड असेसर्स एकेडमीज का मतलब सेटिंग की जाएगी, उनको स्थापित किया जाएगा विद सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल्स। इसमें ट्रेनर्स मतलब जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा असेसर्स यानी कि जो लोग किसी को असेस करते हैं यानी कि उनको पूरा एनालाइज करते हैं और उनके अलावा उनमें जो कमी है उनको बताते हैं, तो इस टाइप की एक एकेडमीज की स्थापना की जाएगी जहाँ पर ट्रेनर्स एंड असेसर्स होंगे, और जो ट्रेनिंग जिनको ट्रेनिंग लेनी है या जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं तो वो उनसे कॉन्टैक्ट में आएंगे, और इस तरीके से उनको अपनी गलतियाँ या अपनी कमियों का पता चलेगा, और ये पूरा एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर रहेगा, यानी कि जो ये अकेडमीज के अंदर खोली जाएंगी वो अपने अपने बल पर काम करेंगी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो करीब ऐसी 50 अकेडमीज खोलने का लक्ष्य रखा गया है जो प्रायोरिटी सेक्टर्स पे खोले जाएंगे, और इट विल फोकस ऑन ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन एट द स्टेट लेवल विच इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ SSDM एंड अलाउ स्टेट टू कम अप विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल डेवलपमेंट प्लान्स।
तो इसमें और इसका जो दूसरा प्रमुख लक्ष्य है कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन पे भी फोकस किया जाएगा, यानी कि इसको स्टेट और स्टेट के बाद फिर सेंट्रल लेवल तक भी पहुंचाया जाएगा। तो जैसे इसमें स्टेट में तो SSTM से मदद ली जाएगी, मतलब इसमें सेटिंग की जाएगी, यानी कि स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का पूरा सेटअप किया जाएगा स्टेट्स में। और फिर इसके अलावा स्टेट को और उनको जो स्किल SSDP यानी कि स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने को कहा जाएगा, और फिर स्टेट उनके और डिस्ट्रिक्ट में चलाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान्स तैयार करेंगे पूरा। तो इस तरीके से पूरा इसको डिसेंट्रलाइज करने का फोकस्ड रहेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी यूनिट तक ये स्कीम पहुँच सके। अगली न्यूज़ देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017, इंडिया रैंक्स 100th अमंग 119 नेशन। तो 119, तो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 रिपोर्ट आई है, जिसमें 119 देशों में से भारत की रैंक 100वीं रखी गई है उस लिस्ट के अनुसार। पिछले साल 2016 में इसी लिस्ट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 97 थी, और अब 3 प्लेसेस और कम होते हुए अब इंडिया की रैंक 100th है 2017 की इंडेक्स में। तो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो मल्टी डायमेंशनल मेजर्स करती है, मतलब अलग अलग डायमेंशन पर मेजर करती है, और इसमें पूरी तरीके से जो हंगर्स की सिचुएशन है उनको डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल सभी तरह की हंगर्स को इसमें फोकस्ड किया जाता है, देखा जाता है, और उस पर पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे सबसे पहली बात तो ये एनुअली पब्लिश होती है, यानी कि सालाना इसे पब्लिश किया जाता है, और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है 2006 से, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसमें जो सभी कंट्रीज शामिल किया था उनको 0 से लेके 100 पॉइंट पे स्कोर दिया जाता है, और जितने कम स्कोर उतनी अच्छी रैंकिंग, और जितने ज़्यादा स्कोर उतनी कम, उतनी उस तरीके से बेकार वाली कंडीशन, बस्ट कंडीशन है। इसमें 4 पैरामीटर्स रखे गए हैं। इस सबसे पहला पैरामीटर है अंडर नरिश्ड पॉल्यूशन, यानी कि कितनी पॉपुलेशन है जो अंडर नरिश्ड है। दूसरी चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरी है चाइल्ड स्टंटिंग एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में अभी हम देखेंगे। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, तो जैसे आपको पता होगा कि इसमें देखा जाता है कि कितने बच्चे पर 1000, कितने बच्चे जो 1 साल से पहले की उनकी डेथ हो गई है, यानी कि एक वो अपनी 1 साल की उम्र भी कंप्लीट नहीं कर पाए, और कितने बच्चों की ऐसी डेथ हुई है पर 1000 पे देखा जाता है, 1000 पे कि कितने बच्चों की मृत्यु हुई, तो उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो इसमें जो चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में देख लेते हैं, तो स्टंटिंग मिस होती है डेफिशिएंसी इन हाइट इन रिलेशन टू एज। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी बच्चे की एज ज़्यादा है और उसकी हाइट काफ़ी कम है, तो उसे भी एज इन अंडर न्यूट्रिशन ही माना जाता है, उसको हम क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन मानते हैं। तो उसमें जो चाइल्ड स्टंटिंग में देखा जाता है कि उसकी एज और उसकी हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, अगर उसकी हाइट कम है तो उसको भी एक एज इन अंडर न्यूट्रिशन ही माना जाता है। और फिर वेस्टिंग में इसमें मतलब होता है लो वेट इन रिलेशन टू द चाइल्ड हाइट, और अगर उसकी हाइट कितनी है और उसके प्रोपोर्शनली अगर उसका वेट कम है तब भी वो अंडर न्यूट्रिशन ही माना जाता है। तो यानी कि अंडर न्यूट्रिशन है तो उसको भी रिलेशन में, तो इस चाइल्ड वेस्टिंग में इस तरह के 2 पैरामीटर्स लिए जाते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हो गया अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, यानी कि कितनी पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। दूसरी चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि कितने बच्चे हैं जिनका उनकी हाइट के प्रोपोर्शन में उनका वेट नहीं है या कम है। और चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका उनकी उम्र के प्रोपोर्शन में उनकी हाइट में कमी है, कम है। और चौथा है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि कितनी बच्ची हैं जो 1 साल कंप्लीट करने अपनी 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और जिसे पर 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है। 2017 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसकी हाइलाइट्स देखें, तो इसमें इंडिया को स्कोर मिला है मात्र 31.4, जो काफ़ी कम है, और इसको सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको मतलब काफ़ी स्कोर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया का, और इसे इसे सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। और अगर इंडिया के जो हम पूरा नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें साउथ एशिया में, तो नेपाल की रैंकिंग 72 है, यानी कि नेपाल की इंडिया से काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, 72 पर रखा गया है। म्यांमार को 77 पर रखा गया है। बांग्लादेश को भी 88 पर रखा गया है, यानी कि बांग्लादेश की भी अगर हंगर के में देखा जाए तो इंडिया से अच्छी रैंकिंग है। श्रीलंका को 84 पर रखा गया और चाइना को 29 पोजीशन पर रखा गया है। सिर्फ
पाकिस्तान, अगर साउथ एशिया वाले रीजन में देखा जाए तो जो पाकिस्तान है उसको 106 रैंक मिली है इंडिया से, यानी कि 6 रैंक बाद में 106 है, और अफगानिस्तान को 107 पे रखा गया है। तो यानी कि मात्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही इंडिया से पीछे हैं इस रैंकिंग में, बाकी जो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की वो इंडिया से आगे हैं इस लिस्ट में। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर होने के सेकंड सॉरी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी सेकंड हाईएस्ट अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है इंडिया में विश्व की। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो दूसरा सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करता है पूरे विश्व में, उसके बावजूद उसमें सेकंड हाईएस्ट अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है, यानी कि जितनी अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है वो सेकंड हाईएस्ट नंबर पे है इंडिया के पास। तो इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। और इसमें जो सबसे लास्ट इस लास्ट जो दिया गया है रैंकिंग में सबसे लास्ट नंबर पे है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स, कार जैसे कार के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे सबसे लास्ट स्कोर दिया है, और उसकी एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरीज में उसको रखा गया है। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।